अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा नारियल का कोकोनट का ये ज़बरदस्त यामी किस्म का हलवा रेडी हो चुका है। बनाने में बहुत आसान है, सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं बनाते हुए आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले 3 टेबल स्पून घी ले लीजिए, अगर देसी घी है तो बेस्ट है, वरना आप कोई सा भी ले सकते हैं। पैन में हमने घी डाल दिया और उसके बाद ड्राई नट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, आप वो इस टाइम घी में डाल के 1 मिनट तक इनको हल्का सा कड़कड़ा लें, ठीक है। और उस यहाँ देखें आप, मैंने इसमें बादाम, काजू, सॉरी काजू मेरे पास नहीं थे, बादाम, पिस्ता, अखरोट, उसके साथ मैंने किशमिश इसमें ऐड किया है। और आपके पास जो भी हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट तक घी में इनको कड़कड़ा लिया था और उसके बाद नारियल जो है ये मैंने बाज़ार से जो पाउडर फॉर्म में मिलता है वो लिया। अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो आप इसको घर में ग्रेट कर लेते हो तो बेस्ट है, लेकिन इसका भी बहुत ज़बरदस्त हलवा रेडी होगा। अच्छा, उसके बाद 2 कप भर के जो नारियल है वो इसमें डाल के 3 से 4 मिनट बहुत हल्की आँच पे इसको घी में, घी और ड्राई नट्स के साथ भून लिए। और उसके बाद तकरीबन 3 कप दूध जो है वो इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके साथ ही इसमें 1/2 कप शुगर ऐड कर दिया है। यहाँ आपकी अपनी चॉइस है, आप शुगर ज़्यादा करना चाहें, कम करना चाहें, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसको ढक्कन लगा दिया था। उसके बाद इसका जो ढक्कन था वो हटाकर इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है और अच्छे से मिक्स करके दोबारा से इसको कवर कर दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। तकरीबन टोटल इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, दूध जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है और विद इन 3 से 4 मिनट में ही हलवा रेडी हो जाएगा। अभी हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है और उस टाइम तक इसको भूनना है, उस टाइम तक पकाना है जब तक जो हमने इसमें मिल्क ऐड किया वो ड्राई ना हो जाए। अच्छा, अब आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप इसमें कोई सा भी कलर ऐड करना चाहें। मैंने हल्का सा इसमें जर्दा कलर जो है वो ऐड कर दिया है। आप रेड, लाइट, बहुत हल्का सा आपने डालना है, पिंक, ग्रीन, कोई सा भी डाल दें। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो जो इसका कलर है आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त कलर है। मैंने खूबसूरती के लिए थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसको तकरीबन 2 मिनट तक मज़ीद पकाना है ताकि जो थोड़ा सा इसमें हमें दूध नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ हलवा रेडी हो चुका है तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिलीव कीजिए, ये बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत हेल्दी और ज़बरदस्त हलवा है। शाम की चाय के साथ आप ये खा सकते हैं, डिनर में आप इसको ले सकते हैं, अपने गेस्ट जब आपके घर आए दावत में आप ये रखें तो हर कोई आपकी यकीनन बहुत तारीफ करेगा। हमने तो ये हलवा बहुत मज़े से खाया है और आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो ये इंशाल्लाह बनता रहेगा। तो चलिए जी, हम इसको ट्राई भी करके आपको बता देते हैं कि हलवा कैसा रेडी हुआ है। कुछ नट्स ले लेते हैं और बेहतरीन ये हलवा है, तो आप बिलीव करें, ज़बरदस्त यमी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।